नेपाल के एक कराटेबाज ने ऑस्ट्रिया के अंदर अपना परचम लहराया है। नेपाल के झंडे को उस शान से खड़ा किया है जिसकी तलाश हर किसी को होती है, या फिर ऐसे कहें कि उस स्थान पे जिससे ऊंचा स्थान कुछ भी और नहीं होता। नमस्कार, मैं PMDNS सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे कि किस तरह से और कौन ये नेपाली खिलाड़ी है जिसने किसको डिफेंड करके और यहाँ पे ये मुकाम हासिल किया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये वास्तव में प्राउड करने की बात है, गर्व करने की बात है नेपाल के लिए, नेपाल के इस खिलाड़ी के लिए। और इन्होंने खुद हमें मैसेज करके ये सूचना दी, ये इसके लिए हम उनको थैंक यू भी कहना चाहेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक प्रतियोगिता जिसे 7वीं विश्व गोजू रियू कराटे चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर हो रही थी ये स्पर्धा। और उसके अंदर कहीं न कहीं नेपाल के खिलाड़ी ने जो कारनामा किया वो वास्तव में सबसे बेहतरीन था। हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि 7 नंबर तक है मैक्सिको, जो कि 7 नंबर पर रहा। मैक्सिको के खिलाड़ी की अगर बात करी जाए तो एस्पिनोजा थे, और 6 नंबर पर हमारे पास आते हैं यहाँ पे पुर्तगाल के खिलाड़ी एंड्रेड रेनाटो, और इसके बाद ऑस्ट्रिया जो कि इसको होस्ट कर रहा था उसके खिलाड़ी आते हैं रेडल, और उसके बाद या अगर बात करें यहाँ पे 5वें नंबर पर तो इटली के खिलाड़ी आते हैं रुफाटी, और उसके बाद हम बात करते हैं 3रे नंबर पर 2 खिलाड़ी रहे इसके अंदर। एक तो जॉर्जिया के, जो कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ग्योर्गी की, और एक इटली के जो कि उनका नाम है बिएवरली, जो 3रे नंबर पर रहे, कांस्य पदक के अधिकारी रहे। जब यहाँ पे बात करें नेपाल और इटली की तो इटली का ही एक और खिलाड़ी जो कि फाइनल के अंदर नेपाल के खिलाड़ी के साथ भिड़ा, और नेपाल के खिलाड़ी ने उसे यहाँ पे बीट कर दिया। नेपाल का खिलाड़ी था महाराजन यनोज, और उन्होंने यहाँ पे जो इटली का खिलाड़ी था उसे बीट किया, वो था दाना। और इसी के साथ कहीं न कहीं नेपाल ने इस प्रतियोगिता के अंदर जो हौसला है वो कायम किया और गोल्ड मेडल जीतने में यहाँ पे उपलब्धि हासिल करी। महाराजन यनोज जो कि क्लब की अगर बात करें तो नेपाल गोजू रियू कराटे डू यहाँ पे एसोसिएशन यानी कि NGRA से आते हैं, और सॉरी NGKA से आते हैं, और नेपाल के इसी के साथ यहाँ पे प्राउड के मोमेंट बनने शुरू हो गए। जैसे उन्होंने फोटो खिंचवाई उस एक सीढ़ी के ऊपर जिसमें सबसे ऊंचा स्थान 1 नंबर का होता है, वहाँ पर नेपाल का झंडा लहरा रहा था, साथ में महाराजन यनोज दिखाई दे रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा फील करने का मोमेंट था। दोस्तों, जब भी आपका फ्लैग इस तरह से 1 नंबर पर लहराता है तो आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। अब कराटे के अंदर पिछले दिनों यहाँ पे हमारी महिला ने भी ये जो सेमीफाइनल जीता था चाइना के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। और अब की बार हम गोल्ड लेकर आए हैं विश्व की, ये यहाँ पे गोजू रियू कराटे चैंपियनशिप है उसके अंदर। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना, रखते हैं आपको नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।